जैसे आपको पाकिस्तान में चांद रात मिलती है वैसे ही इधर मिलती है। ये जो अभी जो मैं माहौल देख रहा हूँ ना, पहले के नस्बत से अभी थोड़ा सा कम है। जिस हिसाब से पाकिस्तान में ईद होती है उसी तरीके से इधर भी आपको ईद एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। आपको चूड़ी, कपड़े, मेहंदी, मेहंदी डिज़ाइन, हर एक चीज़ आपको जैसे आपको पाकिस्तान में ईद मिलती है वैसे ही आपको इधर एक्सपीरियंस मिलता है। रिश्ते सालों में वैसे पहले बहुत हुआ करता था, पर अभी जब से कोविड हो गया कुछ फैमिलीज मूव आउट हो गई हैं तो ज़रा सा कम हो गया, पर फिर भी वही माहौल मिल जाता है पाकिस्तान में। जैसे आपको पाकिस्तान में चांद रात मिलती है वैसे ही इधर मिलती है। मैं तकरीबन 16 साल से इधर सऊदी अरब में हूँ, पर ये जो अभी जो मैं माहौल देख रहा हूँ ना, पहले के नस्बत से अभी थोड़ा सा कम है। पहले ज़्यादा था, कोरोना से जो पहले लोग थे ना वो ज़्यादा थे, अभी उसके नस्बत से बहुत लोग काफ़ी कम हो गए। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो टैक्स वगैरह भी लग चुके हैं और थोड़े एक्सपेंसिव वगैरह भी हैं, तो इस वजह से अभी क्राउड आपको थोड़ा सा पिछले साल से इस साल से थोड़ा सा कम ही मिलेगा। अभी आप ख़ुद भी देख सकते हो, आपको ख़ुद भी आइडिया हो सकता है कि आज 28 रमज़ान हो गया माशाल्लाह और आपको इतना नहीं लगेगा। ईद पे लोग मिठाई पसंद करते हैं, उसके अलावा मिक्स मिठाई हमारी बहुत चलती है और केक्स, बेकरीज, बिस्किट्स मिक्स बहुत चलते हैं, ये शक्करपारे हमारे चलते हैं और दही भल्ला, रस मलाई, फलूदा बहुत चलता है हमारा। और ईद पे क्या रश पहले की नस्बत ज़्यादा है, वैसा ही है क्या माहौल? ईद तो बहुत है, सामान भी हमने अलहमदिल्ला ज़्यादा बनवाया पहले से, उम्मीद बहुत है अलहमदिल्ला के घर, बहुत उम्मीद है कि पिछले साल से ज़्यादा होगा अलहमदिल्ला।